देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति नरसिंह भगवान कौन थे, उनका मंत्र जप कौन कर सकता है और उनकी कथा क्या है, बहुत कम मनुष्य जानते हैं और जो जानते हैं वो उनका मंत्र नहीं जानते हैं। और नरसिंह भगवान का यदि कोई मनुष्य साधना करता है तो अपने शत्रुओं का स्वतः नाश कर देता है, उसके शत्रु बचते ही नहीं। और आज के जमाने में कलयुग में हर मनुष्य के शत्रु हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हो या व्यवसाय में कॉम्पिटिटर है, आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, स्टूडेंट के भी अपने यार दोस्त भी शत्रु हो सकते हैं। और जब शत्रुता होती है तो मनुष्य ये इनके प्रक्रिया सामने वाले को हराने का प्रयास करता है और कई बार तंत्र विद्या का प्रयोग करता है और आपको पता ही नहीं चलता और आप हार जाते हैं। तो नरसिंह जयंती के उपलक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये नरसिंह भगवान का शत्रु नाश करने का मंत्र है। जो मनुष्य इनका इस मंत्र को रोजाना जप करता हो, एक माला, पांच माला, ग्यारह माला, जितना उसकी यथाशक्ति यथायोग क्षमता में है, तो उसके शत्रु बचते ही नहीं हैं, या तो होंगे ही नहीं, और यदि शत्रु उत्पन्न हुआ तो उसके पहले ही उनका नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, उसके ऊपर विपत्ति आने लगेगी, वो आपसे शत्रुता रख ही नहीं सकता। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बिल्कुल साधारण मंत्र है, ओम नमो नारायणाय और ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये तो बेसिक मंत्र हो गए, आधार मंत्र है श्री हरि विष्णु के। और स्पेशली जो नरसिंह भगवान है, जिनका जो अवतार लिया था, उनका जो मंत्र है जिसके लिए इनकी साधना की जाती है, वह है ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। नरसिंह जयंती जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है, चतुर्दशी को। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया था। इस दिन व्रत रखने और नरसिंह भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह पर्व मुख्यतः दक्षिण भारत में ज्यादा मनाते हैं, इनके मंदिर भी उस तरफ ही ज्यादा हैं। नरसिंह जयंती, नरसिंह भगवान की कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम दीति था। उनके दो पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरणाक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यपु बहुत कुपित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। उसके भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई मानव और न ही पशु मार सकेगा, न दिन में उसकी मृत्यु होगी, न रात में होगी, न घर के भीतर होगी, न घर के बाहर होगी, न धरती पर होगी, न आकाश में होगी, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर लिया और यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और वह अहंकार में भरकर प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था,
किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध सहन करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बड़ी बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं डिगा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह किसी में भी सफल नहीं हो पाया। भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार बचता रहा। एक बार हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बिठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस बच गया। अब हिरण्यकश्यपु का हर प्रयास जब विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने अपनी तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहां है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है? तो उसने कहा, हां इस खंभे में भी है। तो यह सुनकर क्रोध से अंधा हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत रखेंगे वे पाप मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। जिस स्थान पर उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया वह न घर के भीतर था न घर के बाहर था। उस समय गोधूली बेला थी, न दिन का समय था न रात का समय था। नरसिंह ने पूरी तरह मानव में थे और नहीं पशु में थे। हिरण्यकश्यपु का वध करते समय उन्होंने उसे अपनी गोद में लिटाया था, अतः वह न धरती पर था न आकाश में था। उन्होंने अपने नख से उसका वध किया, अतः नख न अस्त्र उप नहीं माने जाते हैं और न ही शस्त्र का प्रयोग किया। इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाते हैं। नरसिंह जयंती के दिन भक्तगण सवेरे जल्दी उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और इस दिन व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, परंपरा है, परिपाटी है। साथ ही नरसिंह मंत्र का भी जप किया जाता है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये मंत्र है, इस मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में संकल्प लिया जाता है तथा सायंकाल में नरसिंह का पूजन किया जाता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति के पास देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी रखी जाती है और पूरे भक्ति भाव से दोनों की पूजा की जाती है। भगवान नरसिंह की पूजा के लिए फल पुष्प कुसुम जो भी पूजा में चढ़ता है वह सब चढ़ाया जाता है, पीताम्बर रखा जाता है, गंगा जल, काला तिल, पंचगव सभी का प्रयोग किया जाता है। भगवान नरसिंह तंत्र मंत्र बाधा भूत पिशाच भय अकाल मृत्यु असाध्य रोग आदि से छुटकारा भी दिलाते हैं तथा जीवन में शांति प्राप्त होती है। इसलिए मैं यहां पे ये चीज बता रहा हूं कि आज रात को जो मनुष्य इस मंत्र का जप कर लेगा, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, जो मनुष्य आज की रात यानी चतुर्दशी की रात को श्री भगवान नरसिंह का इस मंत्र का पूरी रात भर ब्रह्म मुहूर्त होने तक जप करेगा, दीपक लगा करके उसकी ऊपरी बाधा भूत पिशाच भय अकाल भय असाध्य रोग इन सब से छुटकारा मिल सकता है।
बशर्ते कि उसको समर्पण भाव से करना है, यह मान करके कर चलना है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मेरे ऊपर की ऊपरी बाधा ठीक हो रही है, और इस मंत्र को बोल करके करना है। मन ही मन में जप नहीं करना है, माला नहीं फेरना है, सिर्फ आपको लगातार कंटिन्यू जप करना है। और नरसिंह भगवान का बीच मंत्र भी है, छोम भी बोल सकते हो, श्रोम भी बोल सकते हो, और इसको जप करना चाहिए। ओम श्रोम नमः या ओम छोम नमः, इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। ध्यान रहे, इस मंत्र का जप रात में ही करना है, और जप से पहले एक घी का दीपक अवश्य जलाना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को तेल का दीपक नहीं लगता है। और यदि कोई मनुष्य यह व्रत पूजा रखता है, जप करता है, तो उसे उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है, धन के लिए, बचत के लिए भी उसकी कामना पूरी हो सकती है। और यदि उसका कालसर्प दोष है तो ये कालसर्प दोष भी कम हो सकता है। साथ ही साथ में यदि मनुष्य को प्रतिस्पर्धा परीक्षा में पास नहीं हो रहा है तो उसमें भी वो पास हो सकता है। उसमें कहीं नजर दोष लगी हुई हो, जादू टोना हो, तो इस मंत्र का जप करने से जादू टोने का प्रभाव कम हो जाएगा। ओम उग्रम वीरम महावीर, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सरतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। और यदि कोई मनुष्य आपसे नाराज हो गया हो, दूर हो गया हो, रिश्ते फिर से कायम करना हो, तो इस मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए संकल्प लेकर के। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हो, तो आपका पैसा फंस गया है, किसी ने पैसा देने की इच्छा नहीं है, तो भी संकल्प लेकर के इस मंत्र का आज पूरी रात आपको जप करना है। यदि आपके शरीर में बहुत लंबे समय से कोई लाइलाज बीमारी लगी हुई हो, शारीरिक बीमारी लगी हुई हो, डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पाते हो, या गोली दवाई ले रहे हैं परंतु काम नहीं करती हो, गोली दवाई से राहत नहीं मिल रही हो, तो भगवान विष्णु का यह मंत्र अवश्य जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये भगवान नरसिंह जिनने अवतार लिया श्री हरि विष्णु ने, ये उनकी कथा थी, उनका बीज मंत्र था, और उनका आज की रात विशेष तौर से जप करने का नियम है। कर सको तो कर लेना, निश्चित तौर से आपके यहाँ पे यदि ऊपरी बाधा है, जादू टोना है, तो इसका प्रभाव कम अवश्य होगा। सभी मिलकर के करो, पूरे परिवार कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, परंतु शुद्ध स्वच्छ अवस्था में ही करें, अपवित्र अवस्था में न करें। आज की रात स्त्री के साथ सहवास संभोग न करें, शराब का सेवन बिल्कुल न करें, मांस का सेवन बिल्कुल न करें, और रात को 11 बजे से आप इसका जप करने के लिए बैठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होने तक यानी 4 बजे तक आपको इसका जप करना है। भगवान नरसिंह का मंत्र हमेशा जब भी करें, रात को भी करें, दिन में इनका जप नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उग्र स्वभाव के हैं, इनसे शरीर में उग्रता आती है, इसलिए इनका जप जो है रात को ही करना है। सवेरे उठ करके गाय को 11 रोटी अवश्य खिला देना, बस इनका यही हवन है, यही भोग है, यह मान करके आपको गाय को 11 रोटी खिलाना है। माँ भगवती जगत जननी और भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु और श्री विष्णु में आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम।